नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्नोत्री। जनादेश 2019 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक महीने से अधिक चलने वाले चुनावी सफर के हम अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए यह अंतिम चरण, ये अंतिम पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। 11 अप्रैल से शुरू हुआ आम चुनाव 19 मई को वोटिंग के साथ ये चुनाव खत्म हो जाएगा और इसमें 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं। ये सीटें बहुत खास हैं और सत्ता के लिए जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, उनके लिए ये सीटें, ये चरण क्या निर्णायक भूमिका में इसका कोई रोल होगा सत्ता हासिल करने के लिए, इन्हीं सब विषयों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा शिक्षा के मुद्दे पर भी हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ साथ हमारे साथ अरविंद जयतिलक जी हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक हैं। आप दोनों ही लोगों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये अंतिम चरण का चुनाव जो है 19 तारीख को होने जा रहा है, जिनमें 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं जो पूर्वांचल से हैं, तो क्या देखते हैं, कितनी महत्वपूर्ण हैं ये सीटें? देखिए, अंतिम चरण का जो चुनाव होने जा रहा है वह सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख राज्य है जी। और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें हासिल होंगी, निश्चित रूप से उसे केंद्र में सरकार बनाने में मदद हासिल होगी। तो जो अंतिम चरण के चुनावी नतीजे हैं, जो मतदान होने जा रहा है, वह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इसमें ज्यादातर सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं। अरविंद जी, प्रदीप जी का ऐसा मानना है कि ये इन सीटों का जो परिणाम आएगा उसका एक बहुत खास रोल होगा 2019 का जो चुनाव है उसमें, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? प्रभु जी, अभी प्रदीप उपाध्याय जी ने बहुत सही कहा, महत्वपूर्ण तो है ही है। अगर 59 सीटों के संदर्भ में हम आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है लगभग 83% है और अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो इसको 100% तौर के देखा जा सकता है। हालांकि उपचुनाव जब हुए तो गोरखपुर की सीट जो है समाजवादी पार्टी ने जीत ली, यानी अगर उसको थोड़ा हटा करके हम लोग देखें तो लगभग सभी 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है 2014 के चुनाव में जीती थी। और आज की तारीख की बात करें तो महागठबंधन जो है जिन 13 सीटों पर लड़ रहा है उसमें जो है 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अब जैसे गाजीपुर है, सलेमपुर है, देवरिया है, घोसी है, बासगांव है, यहाँ पे जो है बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, बाकी 8 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अब यहाँ देखना यह दिलचस्प होगा कि यदि हम लोग थोड़ा पीछे चले जाएं बैक में तो 2009 के आंकड़ों को देखें तो 2009 में इन 13 सीटों में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीती थी, गोरखपुर और आपका बांसगांव और ये वाराणसी जो है 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उस वक्त ये पार्टियां इंडिपेंडेंट लड़ी थी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और कुशीनगर महाराजगंज में कांग्रेस जीती थी। तो अब जो है ये चुनौती जो है दोनों मतलब ग्रुप को है, भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि अपने जो पुराने जो रिकॉर्ड हैं उसको हम दोहरा लें और महागठबंधन का ये कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं जो हमारी जो पुरानी जो जीत है उस जीत को जब हम लोग मिल गए हैं तो बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर जीते। तो यहाँ पर एक चीज बात और ध्यान देना होगा कि जो इसमें से 13 सीटों में प्रणव जी करीब 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी और बसपा का अगर हम लोग वोट प्रतिशत को जोड़ दें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती हो जाता है, क्योंकि इनका जो 5% से लेकर के लगभग 10% मार्जिन जो है बढ़ जाता है। ठीक है जी जी। और आपने कहा कि अगर दोनों का वोट जोड़ दिया जाए तो ये बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है भाजपा के लिए। पूर्वांचल जो है वो पूरी तरीके से जातीय समीकरण से जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, ऐसा माना जाता है। और जैसा कि अभी अरविंद जी ने कहा कि 2014 का अगर वोटिंग परसेंटेज जोड़ दिया जाए समाजवादी पार्टी और बसपा का तो ऐसे में वो परसेंटेज बीजेपी से आगे निकल जाता है और वहां पर मतलब जो निर्णय है वो बदल सकता है, बीजेपी के खिलाफ जा सकता है, आधा दर्जन सीटों पर ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या राजनीति में 2 और 2 हमेशा 4 होता है? क्या अन्य फैक्टर भी होते हैं जो प्रभावशाली होते हैं? देखिए, आपने जो ये सवाल उठाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति अंकगणित की तरह से नहीं चलती है,
इसमें अन्य मुद्दे भी प्रभावित होते हैं जी। और जिस तरीके से एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसे बेहतर नतीजे हासिल हो सकते हैं, लेकिन चुनाव में क्या मुद्दे प्रभावी रहे, विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में विभिन्न वायदे किए और जिस तरीके से उन्होंने जनता के बीच अपनी समस्त घोषणाओं को प्रस्तुत किया, एक सघन प्रचार अभियान चलाया, तो उसमें क्या मुद्दे किस तरीके से प्रभावी होंगे यह तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। और जो विभिन्न सामाजिक समीकरण हैं या जो अन्य राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उनका भी निश्चित रूप से असर पड़ेगा जी। यानी कि अंकगणित के अलावा जो कई और भी फैक्टर्स होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, वो और वो फैक्टर्स दिमाग पे रहते हैं जब मतदाता वोट करने जाता है। अरविंद जी, अगर बनारस की सीट को छोड़ दिया जाए, ऐसा माना जा रहा है कि वहां एक तरफा लड़ाई है, ऐसे रुझान भी आ रहे हैं, जो अन्य सीटें हैं पूर्वांचल की वहां पर क्या गठबंधन से सीधी लड़ाई है बीजेपी की? बिल्कुल पड़ोजी, एकदम सही आपने कहा, बनारस को छोड़ दिया जाए तो 12 जो अन्य सीटें हैं, अब जैसे गाजीपुर का है, देखिए संचार मंत्री मनोज सिन्हा जी हैं, अगर आप जो है 2009 के आंकड़े को देखें तो वहां समाजवादी पार्टी और बसपा का अगर जोड़ दिया जाए तो करीब अंकगणित के हिसाब से 2 लाख से अधिक जो है मार्जिन बढ़ जाता है जी। तो वहां पर यादव और मुस्लिम वोटर हाँ, जी और दलित मतदाता जी, ये तीनों मिलकर के अगर वोट ट्रांसफर होता है तब ये स्थिति बनेगी। देखिए मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दूंगा, 1993 में भी सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, बावजूद इसके जो है 176 सीट पर गठबंधन जीता था और 177 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो प्रदीप जी ने बहुत सही कहा कि अंकगणित यहां पर ठीक है, अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन कई और मुद्दे हैं। अब देखिए पूर्वांचल के कई और मुद्दे हैं, जैसे चीनी मिल बिक गई थी, परदेहा में जो कताई मिल था वो भी बंद हो गया, फिर आपका गंगा घाघरा जो सहायक नदियां हैं जो कटाव से हर साल जो है लाखों की फसलों की क्षति होती है, लाखों घर उजड़ते हैं, ये भी कई मुद्दे हैं और राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा भी है, राष्ट्रवाद है। अच्छा आपने कहा कि और कई सीटें हैं, अब जैसे मिर्जापुर में देख लीजिए सहयोगी दल अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल लड़ रही है, वहां पर जो है कांग्रेस जो है ललितेश पति त्रिपाठी को भी उतारी है, वो कहीं ना कहीं जो एक जो है मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी जी रह चुके हैं उस परिवार के हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो भी वो काउंट करेगा। दूसरी चीज चंदौली में देख लीजिए, जहां चंदौली में यह माना जाता है कि सपा और बसपा का वोट बैंक जो है भाजपा से बढ़ जा रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी लड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, बड़ी चुनौती है। हाँ बिल्कुल, उसी तरह स्थिति बलिया में है, बलिया में जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है, भरत सिंह को हटा करके बिरन सिंह मस्त को कर दिया है, तो इन सारी चीजों पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, प्रधानमंत्री जी का है, संचार मंत्री जी का है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का है, तो स्वभावतः जो इन सीटों पर एक गाजीपुर की आप बात कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि मनोज सिन्हा ने वहां काफी विकास कार्य किया और मोदी सरकार की योजनाओं का भी वहां लोगों को लाभ मिला, तो वहां का जो मतदाता है वो विकास कार्यों के आधार पर वोट करेगा या अपनी कौम अपनी जात के आधार पर वोट करेगा, क्या लगता है? नहीं देखिए गाजीपुर का मिजाज बड़ा अलग रहा है और आमतौर पर देखा गया कि जब भी गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती है देश में उसकी सरकार बनी है जी। और मनोज सिन्हा जी निसंदेह जो बहुत विकास किए हैं, आप वहां के रेल स्टेशनों को देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, बहुत काम किए हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, लेकिन जाति भी जो है अपनी जगह पे दुरुस्त है। अब ये सवाल उठता है कि लोग विकास को की तरफ देखते हैं या जो है जाति की तरफ देखते हैं, अगर जाति की तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है विकास को जो है मात मिलेगा, अगर विकास की तरफ देखेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अब देश बदल रहा है, कहीं ना कहीं नरेटिव चेंज हुआ है विकास को लेकर के, जाति की जो सीमाएं हैं जो उसके तंत्र हैं टूट रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका फायदा मनोज सिन्हा जी को मिलेगा जी। बिल्कुल, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, फिलहाल हम कुछ झलकियां देखते हैं चुनाव से संबंधित। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के प्रचार में तेजी आ गई है। इस चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार जोरों पर है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा परख वाराणसी सहित 13 जिलों में 19 मई को होगा मतदान। इस चरण में गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज और चंदौली सीटें शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिर्जापुर में भारतीय प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास और उपलब्धियों को बताया और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कुशीनगर में एक चुनावी रैली की। उन्होंने रैली में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती के साथ मिलकर वाराणसी के लंका में संयुक्त रैली को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाराजगंज में गठबंधन से सपा प्रत्याशी कुंवर अखिलेश सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। भाजपा प्रत्याशी मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में चुनाव सभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि गाजीपुर में विकास ही अब एकमात्र मुद्दा रह गया है और मतदाताओं ने संकल्प लिया है कि अपराध और बाहुबल को गाजीपुर से बाहर का रास्ता दिखाना है। चुनाव आयोग ने एक असाधारण कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की बाकी बची 9 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का समय कम कर दिया है। आयोग ने राजनीतिक दलों को आज सिर्फ रात 10 बजे तक प्रचार करने का समय दिया है। प्रदीप जी, झलकियों में अभी हम लोगों ने देखा कि सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ अपना प्रचार कर रही हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो या फिर नरेंद्र मोदी जी हो। और बनारस में भी प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ, हालांकि उस रोड शो की प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से तुलना की जा रही है। प्रधानमंत्री का रोड शो जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी, लेकिन इस प्रियंका के रोड शो में भी एक अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही थी। क्या कुछ असर आप देखते हैं बनारस में इसका? बनारस में तो कोई ऐसा विशेष असर पड़ने की संभावना नहीं नजर आ रही है, लेकिन अगर समूचे उत्तर प्रदेश को देखें तो कई सालों के बाद इस बार कांग्रेस पार्टी ने गंभीरतापूर्वक चुनाव लड़ा है और इस चुनाव में एक जो नई बात देखने को मिली कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण नेता हैं, पहली बार उन्हें उनकी पार्टी में एक स्थान मिला, पद मिला और रायबरेली और अमेठी से बाहर निकलकर उन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी कांग्रेस को कुछ संजीवनी मिलेगी इस चुनाव में, कुछ सीटों में इजाफा हो सकता है, ऐसी संभावना नजर आ रही है और कांग्रेस ने मेहनत की है। जी अरविंद जी, आपके पास आते हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो होता है वो केंद्र सरकार मतलब बनाता है, वहां पर उत्तर प्रदेश से कई प्रधानमंत्री भी दिए गए हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल की भी चर्चा की जा रही है, क्या कौन सा राज्य निर्णायक साबित होगा? देखिए, यह तो कहावत है ही है कि दिल्ली का रास्ता जो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, लेकिन मेरा मानना है कि इस संघीय ढांचे में जो है हर राज्य की अपनी भूमिका है जी, और हर राज्य का अपना योगदान होता है, थोड़ा कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इस संदर्भ में अगर आप देखें तो सभी राज्यों की भूमिका बड़ी होती है, हाँ उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी भूमिका है। और दूसरी चीज, अभी आपने पश्चिम बंगाल की बात की तो वहां 9 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, लेकिन वहां पर जिस तरह से अराजकता का माहौल बना, चाहे वो जिन राजनीतिक दलों की वजहों से बना हुआ हो, या कोई शुभ संकेत नहीं है। आप अन्य राज्यों में भी देख लीजिए प्रणव जी, तो पश्चिम बंगाल जैसे हालात नहीं है, अन्य राज्यों में भी तो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहां पे जिस तरह से वहां पर मूर्तियों का भंजन हुआ, चाहे इसके अलावा जो जिस ढंग से जो भाषा की मर्यादा लगातार टूट रही है, तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। बीजेपी को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में उसको काफी कुछ हासिल होगा और तृणमूल कांग्रेस को वो उखाड़ फेंकेगी, क्या वो कामयाब हो पाएगी अपने इस मकसद में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो तारीफ करनी ही पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जो संगठन को लेकर के जो है वो बहुत ही सक्रिय रहती है, चाहे वो सत्ता में आए या न आए, चुनाव के नेक्स्ट डे से ही वो अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर देती है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में आप देखें तो पिछली बार भले ही 1-2 सीट केवल उसके हाथ में आया, लेकिन इस बार आप जरूर देखेंगे कि वहां संगठन मजबूत हुआ है, कार्यकर्ता सक्रिय हुए हैं, सड़क पर भी उतरे हैं। और दूसरी चीज ये कि वहां पर लेकर के तृणमूल कांग्रेस की को लेकर के कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी है, और जिस ढंग से जैसे पिछले 2016 में पंचायत चुनाव हुआ और हिंसा वहां पर हुई,
उसको भी लेकर के वहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं जो है ये लग रहा है कि यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो है समस्या उत्पन्न हुई है, और जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उठा रही है, या बांग्लादेशी जो वहाँ पर आकर के वहाँ पर हावी हुए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं वहाँ की जनता जो संज्ञान में ले रही है। अगर उसको लेती है प्रणव जी, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। और प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश निर्णायक साबित होगा इसमें, जो या जो यहाँ पर गठबंधन की जो सीटें आएंगी, क्या उनमें इजाफा होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी 2014 की जो जीत है उसको दोहराएगी? देखिए, अभी आप पश्चिम बंगाल की चर्चा कर रहे थे, तो इस चुनाव में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों महत्वपूर्ण राज्य साबित होने जा रहे हैं, और इन दोनों राज्यों में किस पार्टी को या किस गठबंधन को ज्यादा सीटें हासिल होती हैं उस पर बहुत कुछ अगले सरकार के गठन का स्वरूप निर्भर करेगा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। हालांकि ये एक चिंता की बात है कि पश्चिम बंगाल में जो अब तक विभिन्न चरणों में चुनाव हुए हैं, लगभग सभी चरण में हिंसा देखने को मिली है, और यह एक चिंताजनक पहलू था। ठीक है। और अरविंद जी, बहुत सारे मुद्दे जो थे चुनाव के दौरान रहे, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने संकल्प पत्रों में भी तमाम बातों की को रखा है, स्वास्थ्य को रखा है, रोजगार को रखा है, नौकरियों को रखा है, अन्य तमाम चीजों को रखा है, लेकिन एक जो शिक्षा का मुद्दा है, कहीं ऐसा लगता है कि वो नदारद रहा, या उस पर जितनी बात, जितनी चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। अब हालांकि अंतिम चरण में आ चुके हैं, अब ये मुद्दा तो खैर नहीं बन पाएगा, लेकिन क्या नई सरकार जो आएगी उसको शिक्षा को लेकर क्या चुनौतियां होंगी? क्योंकि जब भी हम नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी है वो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल प्रणव जी, आपने बहुत ही शानदार प्रश्न उठाया। हम थोड़ा पीछे जाएंगे, 1954 में जब डॉक्टर अम्बेडकर उपचुनाव भंडारा से लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक जो है बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है सिंघनी का दूध है, इसे जो भी पिएगा दहाड़ेगा। उन्होंने जो है शिक्षा को जो है शिक्षा पर फोकस किया था। फिर 1952 में ही जब प्रथम आम चुनाव हुआ, तो रामपुर से मौलाना अबुल कलाम आजाद लड़े थे, उनका पूरा जोर जो है शिक्षा पर ही था। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए चाहे बाकी लोगों के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया, उनका एजेंडा ही था जी। और बाद में 1977 में जब बलरामपुर से नानाजी देशमुख चुनाव जीते, तो उन्हें शिक्षा, कृषि और जो है सिंचाई पर। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि जब वो जीत गए चुनाव, तो ये उनकी चर्चा जो है शिक्षा को लेकर के ब्रिटेन में भी गूंजी, और उस समय जेम्स कैलहन वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा नानाजी देशमुख के सामने कि मैं $1 करोड़ का जो प्रस्ताव रखता हूं कि शिक्षा के लिए आपके क्षेत्र में। उस समय बलरामपुर से चुनाव लड़े थे, और गोंडा भी उसी समय वही उसी में आता था, लेकिन नानाजी देशमुख ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है अपने जन सरकारी नीति से हम संसाधन जुटाएंगे। लेकिन बाद में आप देखिए जो है 89 के बाद जो है आप मंडल कमीशन आया, कमंडल का मामला आया, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं शिक्षा गुम होता गया, और जाति और धर्म की राजनीति जो है आगे बढ़ती आने वाली सरकार जो है नई सरकार, उसके लिए क्या चुनौतियां रहेंगी? उसके लिए निसंदेह जो है शिक्षा के संदर्भ में जो चुनौतियां हैं, अभी देखिए आपने जो सितंबर 2018 में HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि राजनीति में जो है शिक्षा का कोई एजेंडा नहीं बन पा रहा है, लेकिन हमारी सरकार इतनी जो है इसको लेकर के संवेदनशील है कि शिक्षा के तरफ जो है काम कर रही है, और जो 10 साल से पाठ्यक्रम नहीं बदले गए उसमें बदलाव कर रही है, और जो नए नए जो आज तकनीकी का दौर है शिक्षा में, डिजिटल लाइब्रेरी की बात आपने देखा है कि उसमें हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार इस दिशा में प्रयासरत है, और यह शुभ संकेत है। ठीक है, बहुत सारी बातें की जा रही है। प्रदीप जी, आपके पास आपके विचार जानना चाहेंगे कि पिछली सरकारें जो रही हैं, हालांकि शिक्षा का विषय राज्य का विषय भी होता है और केंद्र का विषय भी होता है, तो क्या पिछली सरकारों में जो शिक्षा को लेकर जो नीतियां रही, जो कामकाज हुआ है, उनको देखते हुए आज के समय में कितनी गैपिंग रही है, या कितना कुछ और होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, विगत 7 दशकों में विभिन्न राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य हुए, और बेहतर नतीजे भी देखने को हासिल हुए, लेकिन जो शिक्षा पर जिस तरीके से महत्व दिया जाना चाहिए था, या शिक्षा पर जो GDP का खर्च होना चाहिए था, वो असंतोषजनक है, उसे निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। भारत जैसे लगातार विकसित हो रहे देश में शिक्षा पर कम से कम हमें 10% व्यय तो करना ही चाहिए, और जबकि जो आज की मौजूदा स्थिति है, हम सिर्फ शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मत पर सिर्फ 3.6% व्यय कर रहे हैं,
तो यह अपने आप में एक गंभीर चिंता का विषय, यानी कि नई सरकार को इस विषय में, नई सरकार को इस विषय में गंभीरता के साथ सोचना होगा और अपना एक कार्यक्रम बनाना होगा और उसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करना होगा। जी अरविंद जी, शिक्षा की बात हो गई है और अब वापस हम चलते हैं, अंतिम चरण का चुनाव कल थम जाएगा और उसके बाद 19 तारीख को वोटिंग होगी, 23 तारीख को मतगणना होगी। तमाम ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे भी चर्चाएं हो रही हैं कि जो थर्ड फ्रंट है वो एकजुट हो रहा है और संभावनाएं क्या होंगी भविष्य, ये तो भविष्य ही तय करेगा, 23 तारीख को मतगणना के बाद ही पता लगेगा कि सरकार किसकी बननी जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए मोदी सरकार नहीं आती है तो ऐसे में थर्ड फ्रंट का क्या मतलब संरचना होगी, उसका क्या ढांचा होगा, कौन सा चेहरा है जो सामने आ सकता है? देखिए प्रणव जी, थर्ड फ्रंट को लेकर के बहुत भ्रांतियां भी रही हैं और दूसरी चीज की इनकी एकजुटता को लेकर के देश के जनमानस में संदेह भी रहा है। जी बिल्कुल, आप चाहे 1977 की बात करें, 1989 में बीपी सिंह सरकार की बात करें, 1996 में देवगौड़ा की जो सरकार बनी उसके पहले जो सिलसिला हुआ उसको आप रेखांकित कर सकते हैं। तो इनको जो है एक तराजू पर जैसे मेढकों को तोला जाता है तोलने जैसी स्थिति है। अब देखिए चंद्रबाबू नायडू जी का प्रयास था कि जितने भी थर्ड फ्रंट के हैं राष्ट्रपति से जाकर के मिला जाए, लेकिन कई जो दल हैं जैसे सपा है, बसपा है, टीआरएस है, नवीन पटनायक जी का है, वाईएसआर कांग्रेस है, कोई भी जाकर के मिलने को तैयार नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये रेखांकित करता है कि एकजुटता नहीं है, सहमति नहीं है कि हमारा जो है नेता कौन होगा। आप देखिए यहाँ पे अखिलेश यादव जी जो है मायावती जी को आगे बढ़ा रहे हैं, ममता बनर्जी के पीछे भी कई शक्तियां लगी हुई हैं, तो सवाल ये उठता है कि इन लोगों के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर सर्वानुमति हो। और मजेदार बात यह कि आज जो है कांग्रेस के एक प्रवक्ता कहते सुने भी गए कॉन्फ्रेंस में कि सहमति से ही कांग्रेस जो है अगर कहेंगे लोग तो प्रधानमंत्री अपना पद देगी। जी प्रदीप जी, आप क्या सोचते हैं थर्ड फ्रंट का भविष्य है कुछ? थर्ड फ्रंट का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि जो चुनावी नतीजे आते हैं उसमें थर्ड फ्रंट में शामिल दलों को कितनी सीटें मिलती हैं। अगर राजग गठबंधन को या संप्रग गठबंधन में शामिल दलों को इतनी सीटें मिल जाती हैं कि वह अपनी साझा सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं या अपने बहुमत के आधार पर सरकार बना ले जाते हैं, तो पिछले चुनाव की तरह इस बार भी थर्ड फ्रंट के जो दल हैं वो महत्वहीन साबित होंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है और दोनों जो हमारे प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं और उनसे जुड़े दल हैं, क्या जो अन्य छोटे अगर दल जी अगर उन्हें कम सीटें मिलती हैं तो ऐसे में निश्चित रूप से थर्ड फ्रंट में शामिल दलों का, छोटे दलों का झुकाव जो है क्या कांग्रेस की तरफ हो सकता है, कांग्रेस के नेतृत्व में वो सरकार बनाने के लिए समर्थन करें सारे दल मिलकर? चुनावी नतीजे जिस तरीके से आएंगे उसके बाद बहुत ही तेजी के साथ राजनीति परिवर्तित होने वाली है। अरविंद जी आप कुछ? इसमें से मैं एक चीज जोड़ना चाहता था प्रणव जी, देखिए कुछ दल जो हैं जो थर्ड फ्रंट के हैं और तटस्थ हैं वह कांग्रेस से लड़ रहे हैं। अब जैसे तेलंगाना है टीआरएस है, वहां जो है के चंद्रशेखर राव जो है कांग्रेस के साथ जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उनकी जो राज्य की राजनीति है कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। वाईएसआर कांग्रेस जो कांग्रेस से अलग हुआ है तो फिर जो है कांग्रेस को समर्थन देकर के अपनी स्थिति कमजोर नहीं करना चाहेगा। नवीन पटनायक जो है उड़ीसा में जो है कांग्रेस को खत्म करके वहां पर आए, फिर जो है कांग्रेस को समर्थन देकर उनकी कोशिश यही रहेगी कि समर्थन से बचा जाए। तो कहीं ना कहीं जो ये भाजपा के लिए अनुकूल स्थिति है और ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर 200 से ऊपर जाती है 220-225 तो मान के चले कि उसकी सरकार बनी लगभग तय। ठीक है, और प्रदीप जी क्या अगर आपसे एक सेंटेंस में जानना चाहें, जैसे कि इस चुनाव को आप क्या साइलेंट चुनाव कहेंगे? बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं हो रही है, मतदाताओं का रुझान भी नहीं आ रहा है कि मुस्लिम वोटर नहीं खुल रहा है कि वो गठबंधन के साथ जा रहा है या फिर कांग्रेस के साथ जा रहा है, और ये मोदी लहर है या नहीं है या एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, इस बारे में भी इस पर संकेत नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या ये चुनाव 2014 की तुलना में एक साइलेंट चुनाव है? देखिए 2014 की तुलना में तो यह चुनाव निश्चित रूप से भिन्न है। पिछली बार एक स्पष्ट रूप से जो मोदी लहर दिखाई दे रही थी वह इस बार उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। अब जो एक अंडर करेंट की बात कही जा रही है वह अंडर करेंट नतीजों में कितना ज्यादा विजिबल होता है, सारा जो गणित है, सारे राजनीतिक समीकरण बनना बिगड़ना वहीं से शुरू होंगे। अरविंद जी, 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया, तो क्या एक ऐसी एक अंदर ऐसी बात चल रही है, क्या ये आरक्षण है वो जो उनका दलितों और बैकवर्ड का आरक्षण है उसमें कोटे में से दिया गया है, तो क्या वो इसका कुछ असर
है इस वोटिंग पर? देखिए ये जो 13 सीटें हैं जहां पर जाति समीकरण से बना हुआ है, पूर्वांचल की सीटें हैं, तो ऐसी एक बात सुनने में आ रही है। देखिए यहाँ पे जो आरक्षण, हम तो खैर पूर्वांचल के भी रहने वाले हैं पड़ोजी, और मैं देख रहा हूँ, घूम करके भी आया हूँ, यह आरक्षण को लेकर के किसी भी सामाजिक ताने बाने में कोई बिखराव की स्थिति नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, 10% जो सवर्णों को मोदी सरकार ने जो आरक्षण दिया है, ठीक है, इसको लेकर के बहुत सतह पर विरोध भी नहीं दिख रहा, चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, हुआ तो लगभग 17% मिला। आपने भी दलितों की बात की, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 17 सीटें ऐसी हैं जो कि आरक्षित हैं। 2014 में 17 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई, और उसमें भी देखने वाली बात यह दिलचस्प रही पड़ोजी कि उसमें जो गैर जाटो जो है 15 थे, यानी करीब 10% जो है दलितों का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो मैंने जो पहले कहा कि जो जातियां जो है उनका जो तिरिस्म जो एकजुटता का लामबंदी का है वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है, और विकास जो है आगे आ रहा है। ठीक है, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप चर्चा में आए और आपने अपने विचार हमसे साझा किए, और 23 मई का इंतजार हमको करना होगा। 19 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव होने जा रहा है, और इसके बाद ही सत्ता का भविष्य क्या होगा ये तय होगा 23 मई को। फिलहाल जनादेश कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।